हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे टू हमारे पास जो अपडेट्स आ रहे हैं निंजा एंड डिजिटल को लेकर। वीडियो में डिटेल बात करेंगे। बता दो फ्रेंड, अभी का जो अपडेट्स है हमारे पास एमटॉप का, तो बता दो फ्रेंड 649 कैंडिडेट्स गोइंग टू ऑन बोर्ड ऑन 26 अक्टूबर और 1144 कैंडिडेट्स आर गोइंग टू बी ऑन बोर्ड ऑन 19 अक्टूबर। बता दो फ्रेंड, ये जो दो डेट्स आपको दिख रहे हैं ना, इसमें जो है निंजा डिजिटल मिक्स है। तो ऐसा मत समझना कि सर निंजा वालों को आप बता रहे हैं फिर डिजिटल वालों को बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये मिक्स है और जो है टीचर्स अपने अकॉर्डिंग ये अपडेट्स भी आप लोग को जो है सेंड वगैरह कर रही है। तो आप लोग अपने मेल वगैरह को चेकआउट करते रहना, काफी बड़ी अपडेट्स अभी भी देखने को आ रही है। फिर यहाँ पर आप लोग फिर स्क्रीन पर देख सकते हो। ओके, फिर नहीं तो आईएलपी शेड्यूल्ड हुआ है आप लोग देखोगे तो फ्रेंड ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 5:38 PM आज के दिन ये डेट देख सकते हो। फ्रेंड ये पहले मंथ होता है फिर डेट होता है, ठीक है? आप लोग सॉरी मैंने गलत बोल दिया क्या? ओके, 11/10 मतलब 11 अक्टूबर 2023। ओके, और आईएलपी शेड्यूल्ड हुआ है। आफ्टर गेटिंग आईएलपी शेड्यूल इट विल टेक वन लाइक कभी 2 मिनट में हो जाते, कभी 1 आवर 2 आवर्स भी लग जाते, बट हाँ वंस यू गट आईएलपी शेड्यूल्ड इट्स मीन योर ज्वाइनिंग लेटर विल रिलीज वेरी सून। सो यू हैव टू कीप चेकिंग योर मेल स्पैम फोल्डर एंड ऑल्सो योर नेक्स्ट स्टेप पोर्टल एक्टिविटी एज वेल। ओके, सो फिर पर्टिकुलर कैंडिडेट्स फ्रॉम डिजिटल से बिलोंग कर जिनके पास ये अपडेट्स देखने को मिले हैं, जिन लोग जितने लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन करा मेरा टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाना। अगेन रिपीटिंग, दिस ऑल अपडेट्स आर फ्रॉम कैंडिडेट्स हु रिसेंटली गॉट दी अपडेट्स। ओके, और जितने लोग रिमेनिंग कैंडिडेट्स है टीचर्स अपने अकॉर्डिंग वो सेंड करेगी, तो यू लाइक यू हैव टू ओनली कीप वेट एंड चेकिंग योर मेल एज वेल, बिकॉज ये टोटली डिपेंड करता है टीचर्स रिक्वायरमेंट्स पे। नो वन कैन टेल यू दैट व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट व्हेन यू कैन लाइक व्हेन यू विल गेट योर ज्वाइनिंग डेट। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द टीचर्स एचआर टीम। ओके, यू कैन सी डिजिटल फ्रॉम 23 बैच नॉट रिसीव एनी कॉल एंड मेल। बता दो फ्रेंड, जितने हमारे पास अपडेट्स आ रहे हैं ज्यादातर जो डिजिटल कैंडिडेट्स हैं उनके पास कोई कॉल्स नहीं आया है, क्योंकि उनका ऑलरेडी बीसीसी कंप्लीट था, वो लोग ऑलरेडी आईपी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। ओके, ट्रेनिंग लोकेशन चेन्नई, ज्वाइनिंग लोकेशन चेन्नई एंड गॉट प्रेफर्ड लोकेशन। बता दो फ्रेंड, यहाँ पर डिजिटल में और एक बेनिफिट मिल रहा है लोगों को देखने को, दैट मैंने अब तक जितने लोगों से बात करा ज्यादातर लोगों को प्रीफर्ड लोकेशन मिले, चाहे वो कोलकाता, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो बैंगलोर हो, चाहे वो हैदराबाद हो, वाट एवर लोकेशन, बट ज्यादातर कैंडिडेट्स की जो है प्रीफर्ड लोकेशन मिल रहे हैं फ्रॉम डिजिटल फ्रॉम 23 बैच। ओके, तो फिर यहाँ पर लोग फ्रेंड ये भी जो है ये भी डिजिटल से बिलोंग करते हैं फ्रॉम 23 बैच, कोर्ट ऑफ लेटर इन मंथ मार्च 2023। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेंशन किया गया जो ज्वाइन डेट क्या है 26 अक्टूबर। ज्यादातर जो डिजिटल कैंडिडेट्स है ज्यादातर कैंडिडेट्स ने अपना जो है अपना आईपी एग्जाम क्लियर कर रखा है, तो ये काफी बड़ी चीज है। किसी ने 80+ स्कोर किया, किसी ने 55+ स्कोर किया, बट हाँ इंसेंटिव दोनों ही कंडीशन में मिलेंगे, बट ज्यादातर लोग क्वालिफाई किए हैं, बिकॉज देखो डिजिटल वालों का कोडिंग ऑलरेडी अच्छा होता है, तो इसमें कोई वैसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। सेकंड हमारे पास अपडेट्स, निंजा फ्रॉम 23 बैच रिसीव्ड बीसीजी कॉल ऑन 7 सितंबर के पास कॉल्स आया था, ठीक है? उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट को अपलोड करा था, कोई डॉक्यूमेंट में इशू नहीं था, बीसीजी बीजीसी में जितने भी उनके बताए गए थे उन्होंने डॉक्यूमेंट भी सेंड करा था इन सिंगल पीडीएफ में, इन्होंने सेंड करा था। ट्रेनिंग लोकेशन बैंगलोर, जॉइन लोकेशन बैंगलोर, गॉट प्रीफर्ड लोकेशन एज वेल, ही इज आल्सो गेटिंग गॉट द प्रीफर्ड लोकेशन, नॉट गिवन द आईपी एग्जाम ऑफर लेटर, अक्टूबर में ही गॉट द ऑफर लेटर, ऑलमोस्ट 1 ईयर ही गॉट द ऑनबोर्डिंग ऑन 19 अक्टूबर। यू कैन सी द टू डेट्स आई एम शेयरिंग ओवर हियर, द कैंडिडेट्स आर गेटिंग द अपडेट्स। ओके, सो दिस इज द अपडेट फ्रॉम द टीसीएस टीम एंड फॉर रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर स्टिल वेटिंग फॉर द ऑनबोर्डिंग अपडेट, जस्ट वेट एंड चेक योर ईमेल एंड नेक्स्ट स्टेप पोर्टल एज वेल, क्योंकि बहुत सारे लोग को आईएलपी शेड्यूल्ड होते समय मेल नहीं आता है, वो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर आपका ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। बट हाँ, आपका जब आईएलपी शेड्यूल्ड हो जाएगा तो इट विल टेक टाइम फ्रॉम 2 मिनट्स टू 1 और 2 आवर्स एज वेल, आपका वो जनरेटर जनरेट हो जाएगा, तो आप लोग एक्सेप्ट कर लेना और आप लोग का जो भी फॉर्मेलिटीज होगा, ज्वाइनिंग अपडेट्स और ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज होगा वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर आपके पास एक मेल देखने को आएगा जिसमें आपको नेक्स्ट प्रोसेस कुछ आपको मेंशन किया हुआ रहेगा। बट यस, दैट्स इट फॉर वीडियो। तो आई थिंक वीडियो को समझ आ गया, और आप में से अगर किसी पास कोई अपडेट्स है प्लीज आप लोग कमेंट मत करना, मैम गैन रिपीटिंग, एंड आप लोग मुझे प्लीज आप लोग इंस्टाग्राम पर ही डीएम करना, जितने भी आप लोग का डाउट्स है क्वेरीज आप लोग वहाँ मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाना। जो भी हमारे पास अपडेट्स है मैं जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, एंड होप करते हैं आप लोगों को भी काफी जल्द ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग के अपडेट्स देखने को मिले फ्रॉम टीसीएस टीम। ओके, सो प्लीज वेट करना, अभी तक वेट किया तो 1 महीना और 2 महीना और वेट कर लो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को देखने को आ रहे हैं, हमारे पास डेली अपडेट्स आते रहते हैं। मेरे पास जो भी अपडेट्स आते हैं, चाहे वो ऑफर लेटर को लेकर हो, चाहे वो ज्वाइन लेटर को लेकर हो, चाहे वो ऑफर लेटर रिवोक का हो, मैं सभी पे वीडियो बना के आप लोग को अपडेट करता रहता हूँ, ताकि आप लोग में अपडेट रख पाऊँ कि हमारे पास ये अपडेट्स हमारे पास अभी देखने को आ रहे हैं। ओके, सो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।